हम अब क्रिकेट फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां तक हमें पता है आप बहुत ही छुप छुप के आपने खत्म जल्दी जल्दी से निकाह कर लिया सारा कुछ. व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट? वो खुद मुझे खुद नहीं पता चला, बहुत जल्दी हुआ. उसकी स्टोरी भी ऐसे है कि मैं बिग बैश खेल रहा था 31 दिसंबर को, क्योंकि मुझे बॉल लगा था उस टाइम, इंजर्ड हुआ था. उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज थी, तो सैकी भी उस टाइम हेड कोच थे. मैंने जाना था लेकिन इंजरी की वजह से मैं नहीं जा सका सही सीरीज में. तो बस सैकी भाई जैसे ही घर वापस आए, उनका नया घर बना था, तो हमारी फैमिली को उन्होंने बुलाया था, दुआ आप दुआ खैर कराते हैं कि यार कोई भी कोई खत्म होता है कि यार नए घर में गए. तो बस उधर मेरी अम्मी गई है, तो बस मेरी बेगम को देखा और उसके बाद सही 3 दिन में आप बचपन से, मतलब आप काफी यंग एज से आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, लेकिन बचपन में आप क्रिकेटर नहीं फुटबॉलर बनना चाहते थे राइट? तो वो क्या, आप फुटबॉल से क्रिकेट में कैसे आए? पहले तो मुझे फुटबॉल का शौक था और क्रिकेट से मैं जान छुड़ाता था. मैं रेलवे ग्राउंड में खेलता था, तो उसमें यह है कि जिस साइड से वो हर तरफ से खुला हुआ है, तो जिस साइड से मेरा घर बनता था वो साइड पे हार्ड बॉल क्रिकेट हो रही होती थी. अच्छा. तो मैं जान छुड़ाने के लिए यार इधर मैं जाऊंगा तो हमारे क्लब के कैप्टन थे वो मुझे रोक लेंगे, कहेंगे कि प्रैक्टिस करा लो प्रैक्टिस कर लो. तो मैं जान छुड़ाता था, फिर मैं लंबा रूट लेता, वो मुझे 20 मिनट लगते थे पैदल कि यार उस दूसरे गेट से जाना था कि उधर टेबल क्रिकेट हो रही होती थी और फुटबॉल. तो मैं चाहता था कि यार फुटबॉल में आपको थोड़ा टाइम भी कम लगता है, टेबल पे भी कम लगता है, हार्ड बॉल पे आप पूरा दिन गुजार देते हो. तो बस एक दिन हम ट्रायल देने गए, वापडा की टीम के थे, उसमें फिटनेस टेस्ट वगैरह हुआ है, सब कुछ पास कर लिया. तो जब मैं सिलेक्ट हुआ तो एक हमारे गांव का बंदा था मियां वाली का, जो उस वो ट्रायल भी ले रहा था, तो मेरे अबू से बात की कि यार फुटबॉल में तो पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है, तो आप किसी और चीज में अगर देख रहे हैं तो कर लो. बस उसके बाद मैं क्रिकेट खेलता रहा, और ऐसा मुझे नहीं था कि मैंने पाकिस्तान खेलना है, आप सोचते. बस खेलता रहा अल्लाह ताला ने वो उस तरह. सही. अच्छा, आप मियांवाली में पैदा हुए, आप पिंडी में बड़े हुए, फिर आप क्रिकेटर बने. आपने कभी सोचा था कि आप समा लाउंज में मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे होंगे? ऐसा कभी नहीं सोचा था. लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अभी तो एक्सपीरियंस के बारे में एक जर्नी स्टार्ट हुई और देखे अल्लाह ताला मुझे यहाँ ले. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, मुझे बताया आप अभी इंडिया में, आपका फर्स्ट टाइम था इंडिया में है ना जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वर्ल्ड कप में? अच्छा नहीं रहा था, हार के. तो इसकी वजह से तो आपके, अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं तो आपको क्या लगता है कि कहां कमी रह गई? मुझे लगता है कि क्या चीजें बेहतर हो सकती थी. मुझे लगता है कि स्पेशली अगर मैं परफॉर्मेंस देता तो शायद टीम की सिचुएशन ये ना होती. मुझे लगता है कि अगर मैं टूर्नामेंट में ज्यादा आउट नहीं करता लेकिन 8-10 भी आउट करता तो शायद हम फाइनल खेलते. तो मुझे लगता है कि वो चीज, और बाकी भी मिस्टेक्स होती रहती हैं आपको फील्डिंग में, कभी कभार लैप्सेस हुए हैं, बॉलिंग में हमने लैप्सेस किए, बैटिंग में. तो मुझे लगता है हम पूरे एज ए टीम इतना अच्छा नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से ये होता है, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, आपको सबने अच्छा परफॉर्म करना होता है तब आप उस स्टेज पे जाते हो. लेकिन मेरा एक अहम रोल था क्योंकि मिडिल ओवर्स में आउट करना वो अहम रोल था, तो उस तरह मैं क्लिक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऐसा. आपका ये फर्स्ट टाइम आप विजिट था इंडिया में? हाँ, फर्स्ट टाइम. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे? एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि जब हम हैदराबाद लैंड हुए थे जिस तरह उन्होंने वेलकम किया था और हमें बिरयानी खिलाई गई थी शुरू शुरू, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे लगता है कि इंडिया वाले मैच के अलावा क्राउड भी हमें सपोर्ट करने आया. आप क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया वाले मैच में तो नहीं होंगे, लेकिन क्राउड भी हमें सपोर्ट करने आया और जिधर भी गए हमें बहुत अच्छा वेलकम किया गया. बिल्कुल ऐसे ही, आई हैव बीन टू इंडिया और वहां मैंने देखा कि दे क्रेजी अबाउट आवर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स. ऐसे ही है, क्योंकि वो तो क्रिकेट एक उनका डिफरेंट एक रिलीजन ही है, वो उस तरह ही मानते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. हसन भी इस दफा थे वर्ल्ड कप में, 2 साल से वो टीम से बाहर थे, तो आपका वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी उनके साथ. जी देखिए, मेरे वैसे सभी दोस्त हैं लेकिन हसन के साथ एक डिफरेंट दोस्ती है. अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वही कह रहा हूँ कि अगर हम जीतते तो, क्योंकि सारी चीजें ना जीत पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक स्किल गेम ही है लेकिन ये परफॉर्मेंस गेम भी है. तो जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आप अंदर से भी एक अच्छा फील महसूस करते हो, तो मुझे लगता है वो परफॉर्मेंस की वजह से हम उस तरह एंजॉय नहीं कर पाए. सही. आपकी विराट कोहली के साथ भी है दोस्ती?
क्योंकि आप लोगों की काफी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं, आप एक दूसरे के कानों में क्या बातें करते थे मुझे ये बताएं। असल में शोर इतना ज्यादा होता है कि आपको आवाज नहीं आती एक दूसरे की, तो तब कान में बात करते हैं कि हाँ, कि समझ आ जाए कि क्या बात कर रहे हैं। बट कोई ऐसा कोई ड्रेसिंग रूम का किस्सा इंडिया में, मतलब आप लोगों का एक्सचेंज होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो अगर आप देखे तो वो तो मेरे ख्याल से 130,000 क्राउड था और आप आवाज ही नहीं आती थी। मैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर, असल में वो इतना बड़ा है स्टेडियम कि कम अज कम मेरे ख्याल से 200 स्टेज होंगी आपके ड्रेसिंग रूम तक आते हुए। तो अगर आप बाहर बैठे हो तो आपको कुछ आवाज नहीं आनी एक दूसरे की। तो मैं अंदर बैठता था कि यार चेंजिंग रूम में बैठा उधर आराम से। सही। तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद ऐसा टाइम मिले नहीं, हम मैच हारे और बस वापस आ गए। बिल्कुल। लेकिन मतलब आपकी विराट के अलावा और किसी से है वहां पे इंडिया में? देखिए, हमारे सबके साथ, सिर्फ मेरी नहीं, विराट की सबके साथ है। और नाइस गाय, बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं 2017 में आया था तो वो उसी तरह मुझे सपोर्ट करता, जब मैं नया नया आया और नए प्लेयर को तो आप जानते भी नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से बात करता था, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि यार एक अच्छा इंसान है तो आप उससे बात करते। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया के प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और सब एक दूसरे के, हम एक दूसरे के साथ काफी अच्छी गपशप होती रहती है, और लेकिन हम इतना ज्यादा मिलते नहीं है, लेकिन जब भी हम मिले एक दूसरे के साथ अच्छी गपशप। उनकी क्या ख्यालात हैं या राय है पाकिस्तान के बारे में? लेकिन वो भी डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो भी यहाँ आके खेलें, क्योंकि जिस तरह के हमें इंडिया में सपोर्ट मिली है, ओब्वियसली पाकिस्तान में वो आएंगे तो उनके भी चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम वो पाकिस्तान, पॉलिटिक्स ही है। यस, नहीं तो ये क्रिकेट वगैरह तो हमें और जोड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में तो नहीं होना, लेकिन चलो हो रहा है उस पर। अच्छा शहजाद, आपको PSL से पहचान मिली एक तरह से, आपको डिस्कवर किसने किया था? मैं अंडर 19 को वर्ल्ड कप खेल गया। हाँ जी। तो उसमें भी अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाना अंडर 19 में, आपने हमें इतना प्राउड फील करवाया। हाँ, तो उसके बाद मैं वापस आया तो एक स्पिनर्स कैंप आपके फादर जी ने लगाया। अच्छा, सही। मुशी भाई ने लगाया था। सही। तो उसमें हम जितने भी पाकिस्तान के सब स्पिनर्स थे वो आए। उसके बाद एक पाकिस्तान कप की टीम बननी थी और वो ड्राफ्ट सिस्टम था PSL 1 के फौरन बाद। तो उसमें उस टाइम ये था, अलाउ था कि आपने एक अंडर 19 का प्लेयर लाजमी रखना, वो प्लेइंग 11 में होगा। तो जो 6 टीमें थे उसमें मेरा नाम नहीं आया। अच्छा। तो मैं डिसार्ट हो, मैंने कहा चलो अब कल NC में हम थे, मैंने कहा चलो कल वापस चले जाएंगे घर। तो कल वो रूल चेंज हुआ अगले दिन कि अब 2 अंडर 19 प्लेयर्स रखने। तो दूसरा फिर मैं पिक हो गया था फेडरल में। मिसबा भाई कैप्टन थे हमारे, हमारे प्रैक्टिस मैचेस हुए, मिसबा भाई लोगों ने मुझे बड़ा मारा, मैंने कहा अब तो मैच भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो हम दोनों में से एक अरसद शेख था और एक मैं था, उसमें से एक लाजमी खेलना था। तो जो पहला मैच था जो मेरा डेब्यू लिस्ट का था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो चीज़ है ना, क्योंकि मैं सबकी नज़रों में आया, मिसबा भाई की नज़रों में आया, मैंने पहले मैच में 2 रन आउट कर दिए 40, और पहले मैच में मैंने मिसबा भाई को रन आउट भी करा दिया। तो वो भी ये था कि 40 रन रहते थे, तो मैं जब बैटिंग करने गया तो मिसबा भी खेल रहे थे, तो मेरे थाई पैड पे लगा और मिसबा भाई ने कहा कि भागो भागो, मैं भागा और मिसबा भाई रन आउट हो गए। अब ड्रेसिंग रूम जिधर मैं जिस एंड में मैं खड़ा था उस एंड से ड्रेसिंग रूम था, तो मिसबा भाई ने इधर से जाना था। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर भी ना देखूं कि यार अब वो कहेंगे, क्योंकि मैच तो हम एक किस्म का 8 आउट हो गए थे, हम मिसबा भाई 8वें आउट हुए। मैंने कहा कि अब तो ना गालियां पड़ेंगी, तो मैं नीचे देखता रहा, मैं सोचता रहा कि अब ये क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। लेकिन वो आए हैं, साहस से गुजरे हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आप ना मैच जता के आना। तो वो वाला मैच मैंने जताया था, तो उसके बाद उन्होंने एक तरह से एनकरेजमेंट दी। बिल्कुल ऐसे ही है।